साहिर यू फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं और आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है, तो आइए हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप पीएचडी करने का सोच लिए हैं तो आप ये डिसाइड करिए कि आप किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, और आप एक गाइड भी देखें कि किनके साथ आप कंपैटिबल हैं, और साथ ही साथ आप जिस फील्ड के हैं, आप जिस ब्रांच के हैं, उसमें कौन कौन सी गाइड्स अवेलेबल हैं और क्या उनके पास सीट्स हैं। ये देखने के बाद आप ये डिसाइड करिए कि आप किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे। अब अगर आपने ये थॉट प्रोसेस बना लिया कि आपको पीएचडी करनी ही है, तो फिर आप यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट को कंटिन्यूअसली देखते रहें, उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है और फिर एक डेट आती है जिसमें कि फॉर्म फिल किया जाता है। और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अगर हम इसमें बात करें तो जो न्यू बैच है उसके कोर्स वर्क स्टार्ट होने वाला है, स्पेशली सीएसवीटीयू के जो बैच है उसमें। तो अभी कुछ डिस्कशंस हो रहे थे तो उसमें मैंने सुना कि जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा घबरा रहे थे क्योंकि कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, कोर्स वर्क 1 ईयर का हो गया है, 2 सेमेस्टर्स होंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कैसे करें। तो मेरा आपसे यही कहना है कि घबराएं नहीं, शुरू करिए, ये आपके फील्ड की हाईएस्ट डिग्री है, तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस तो आपको लगेगा और साथ ही साथ आपकी सिंसियरिटी लगेगी। आप अच्छी तरीके से इसको जब शुरू करेंगे तो इसमें कौन कौन से टिप्स होंगे या क्या हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको कोर्स वर्क करना है, उसको देख लें, उसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। ज्यादा लाइटली ना लें, क्योंकि कई बार उसमें भी ऐसा होता है कि बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। उसके बाद बात आती है कि और क्या करना चाहिए। तो साथ ही साथ अब क्योंकि आपको रिसर्च करनी है तो आपको एक एरिया आइडेंटिफाई करना होगा, एक आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है जिसका कि आपको सॉल्यूशन देना है, उसी को रिसर्च कहा जाता है। तो अब ये कैसे जाने कि हमको कौन से टॉपिक पर रिसर्च करना है। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे गाइड हमको हेल्प करेंगे या वो हमको बता देंगे, पर ये सही अप्रोच नहीं है। आप अपने फील्ड के, अपने ब्रांच में देखिए कि क्या क्या न्यू एडवांसेस चल रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, जो अच्छे जर्नल्स हैं आपके फील्ड के उसको देखें, उसमें कौन कौन से पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं वो देखिए, साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं लाइक ICMR, CSIR, UGC, DST, उसमें देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पर, कौन से सब्जेक्ट्स पर वो प्रोजेक्ट्स को ग्रांट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक आउटलाइन मिलेगा, आपको एक आइडिया मिलेगा। अब ये होता है कि स्टूडेंट्स कई बार कुछ भी टॉपिक को ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी हम टॉपिक सिलेक्शन करते हैं तो उस समय हमको केयरफुली लिटरेचर सर्वे करना है। अब लिटरेचर सर्वे भी 2 एरियाज में होता है, एक होता है कि आप अच्छे से जर्नल्स में देखिए और दूसरा होता है कि हमको पेटेंट्स में भी सर्च करना है, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है उसमें 90% लोग पहले पेटेंट की तरफ जाते हैं, उसके बाद पब्लिकेशन की तरफ। तो अगर आपने अच्छे से लिटरेचर सर्वे नहीं किया और आपने काम शुरू कर दिया तो हो सकता है एक ऐसे समय आए जबकि आपको ये फील हो कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको हमको ध्यान देना है। और इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि अभी सभी की पीएचडी थीसिस जो है वो शोध गंगा में अपलोडेड है, तो आप जिस एरिया में काम करना शुरू कर रहे हैं शोध गंगा में जाइए, वहां कीवर्ड्स डालिए और देखिए कि कौन कौन सा वर्क हो चुका है या किस तरीके से लोगों ने वर्क को किया है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, अपना प्लान ऑफ वर्क बनाने में आपको अपनी स्कीम बनाने में हेल्पफुल होगा। केमिस्ट्री वाले प्रॉपरली अपनी स्कीम बनाए और उसको फिर आगे तक लेके जाए। सिमिलरली फार्मास्यूटिक्स वाले हैं, उनको अच्छी तरीके से देखना है कि अगर उनको रिफॉर्मुलेशन स्टडीज करनी है तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, कौन कौन से ऑप्टिमाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फिर जब हम काम को शुरू करेंगे तो इन विट्रो स्टडीज क्या है, इन वाइवो स्टडीज क्या है,
फार्माकोलॉजी वालों को स्पेशली ध्यान देना है कि एनिमल मॉडल कौन सा वो ले सकते हैं। अगर आप स्किन पे कोई स्टडीज कर रहे हैं, सेल लाइन स्टडीज कर रहे हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि अगर वो आपके इंस्टीट्यूट के लैब में हो सकती है तब तो ठीक है, नहीं हो सकती है तो फिर कहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल है। साथ ही साथ जब हम ड्रग को सिलेक्ट करते हैं तो उस समय भी हमको केयरफुली पूरी तरीके से लिटरेचर सर्वे को करते रहना है। और लिटरेचर सर्वे ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमने शुरू के 6 महीने में कर लिया और फिर बात खत्म हो गई। आपका जो टेन्योर है 3 इयर्स 4 इयर्स का, आखिरी तक आपको लिटरेचर सर्वे करते रहना है जिससे कि उस एरिया पे क्या वर्क चल रहा है उसका आपको आइडिया लगता रहे। और हमको किसी से हेल्प लेने में हेजिटेशन नहीं करना है। अगर हमको लगता है कि कोई हमारे सीनियर है, कोई कलीग है जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, तो आप उनसे जरूर मिलिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, आपस में मिलके काम करें, कुछ एक ग्रुप बना लें जिससे कि एक दूसरे के वर्क के बारे में भी आपको आइडिया हो और एक दूसरे की हेल्प भी आपको मिले। तो ये हुआ इन शॉर्ट कि अगर हमको रिसर्च शुरू करनी है, PhD शुरू करनी है, तो जैसे कि कहते हैं कि स्विमिंग तभी आप सीख सकते हो जब आप पानी में उतरोगे, लेकिन पहले दिन ही आप सब कुछ नहीं सीख जाएंगे। तो आप शुरू करिए काम, धीरे धीरे सब हो जाता है। हमने भी PhD की, आप भी कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। हमारे YouTube चैनल साइलेंट यू फार्मा में जुड़े रहिए। हमने इसमें रिसर्च की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाइए, आप उसमें देखिए, उसमें आपको पब्लिकेशंस से रिलेटेड भी बहुत कुछ मिलेगा, साथ ही आप किस तरीके से फाइनेंशियल ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सब भी डिटेल में हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एंड यू फार्मा।